देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का खुद का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। और गाइस, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने से पहले आपको करना है क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड में जाना होगा और आपको कोई एक ब्लैक बैकग्राउंड इनपुट कर लेना है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा और इसके लेंथ को आपको खींच के कुछ इतना आपको बढ़ा लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इनपुट कर लेना है। सो गाइस, हम उसे इनपुट कर लेते हैं। तो ये आ चुका है। सबसे पहले आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, आपको अपने ब्लैक बैकग्राउंड का जो आपका पीछे का फालतू पैड उसका आपको कट कर लेना है। तो गाइस, आपको करना है कि आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करना, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो गाइस, हमारा पीछे का जो फालतू पैड वो कट के हट चुका है। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, आपको कुछ इस जगह पर आना होगा, कुछ इस जगह पर। इसके बाद गाइस, आपको करना है क्या, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको नीचे का ऑप्शन मिला क्रोमा की का, क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसे इनेबल कर देना है और आपका जो की कलर होना चाहिए वो ग्रीन कलर होना चाहिए। सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा और आप गाइस यहाँ से कुछ हल्का इसे एडजस्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद गाइस, आपको करना है कि आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप जिस इमेज का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को इनपुट करना होगा। तो गाइस, मैं कोई एक इमेज को इनपुट कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना, अपना खुद का इमेज को इनपुट कर लेना है। तो गाइस, हमारा इमेज आ चुका है स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या होगा, आपको साइड में ऑप्शन मिलता है थ्री डॉट का, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपको इसे कर लेना सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक हो चुका है और आपको कुछ इतना आगे खिसका लेना होगा और गाइस, आपको अपने इमेज को सही तरीके से आपको एडजस्ट करना अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। तो मिसाल का जूम कर लेते हैं और इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना होगा। तो इतना हमारा हो चुका है गाइस, अभी आप देख पा रहे होंगे और आपको इतना एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको करना है कि आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और गाइस, आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। तो हम उसे इनपुट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक लेना है। तो गाइस, फाइनली हमारा जो स्टेटस वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो गाइस, आपने देखा कि हमारा जो स्टेटस वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो गाइस, आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।